उस पथ की पथिक पथिकता क्या जिस पर बिखरे सूल न हो, उस नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। नमस्कार दोस्तों, आज फिलहाल हमारा वीडियो बनाने का कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन कहा जाता काल चक्र घूम रहा है, समय बीत रहा है, जा रहा है, आपके लिए भी जा रहा है, हमारे लिए भी जा रहा है। जैसा फिर चल रहा है, जो भी चल रहा है, बिना रुके बिना थके आगे बढ़ते जाओ, चलते जाओ। और जिस लक्ष्य को आपने रखा है, निसंदेह वो आसान नहीं है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जो भी समय आपके पास है, हम उसका सकारात्मक यूटिलाइज करें। सिर्फ बुक पढ़ते पढ़ते हम कभी कभी बोर हो जाया करते हैं, मैं मान रहा हूँ उसको। कभी कभी कहीं दूसरी का ब्रेन चला जा रहा है, कंसंट्रेशन डेविट हो जा रहा है। तो आज मेनली हम पढ़ाई से संदर्भित कोई बात नहीं करेंगे। आज एक बात बता रहे हैं कि आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसके लिए चार बिंदु। नंबर 1 कठिन परिश्रम, नंबर 2 लक्ष्य के प्रति ईमानदारी, नंबर 3 धैर्य, नंबर 4 अनुशासन। आपके जेहन में एकदम फुलफिल होने ही चाहिए, तब आप ये मान सकते हैं कि आपको आपका लक्ष्य जरूर मिलेगा। इसी पर एक एग्जाम्पल, एक स्टोरी हमें सुनाई जाती थी प्रयागराज में, वो कहानी है गुप्ता जी की कहानी। मैं भी सोचा कि आपको आज उसी बहाने को सुना दूं। गुप्ता जी भाई कौन थे, क्या थे, जानिए। अब पता नहीं ये हकीकत है या फसाना, मुझे नहीं मालूम, मैंने कहानी सुनी है, बड़ी शिद्दत के साथ सुनी है और लोगों को सुनाई भी है। और चूंकि हमारे ऑडियंस जो हैं, मैं चाहता हूँ उनको भी ये कहानी सुने हो सकता है पसंद आए। इलाहाबाद की प्रयागराज की तंग गलियों में एक गुप्ता जी हुआ करते थे, काफ़ी सीनियर हो चुके थे। हाँ, मेहनती थे, बहुत मेहनती थे। और ये बात है 90s की, उस समय मोबाइल, बाइक्स इतने नहीं थे, इतनी गाड़ी मोटर नहीं थे, कुछ भी संसाधन इतने नहीं थे, बुक्स भी इतने नहीं थे, लेकिन वो अध्ययन करते रहते थे। इंटरव्यू भी लगातार देते थे, PCS का लगातार इंटरव्यू भी दिया करते थे। 3-4 बार इंटरव्यू दिया था उन्होंने, और मेंस तो हमेशा दिया था। उनके जीवन का लास्ट अटेम्प्ट लगभग उस समय शायद 32 साल था या 35 साल था, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हमें है बताया जो वहाँ पे लोगों ने, मान लेते हैं 35 साल रहा होगा, सपोज दैट 35 साल था। और उनके जीवन का लास्ट अटेम्प्ट था, मेंस दिया उन्होंने, मेंस क्वालिफाई किए, फिर रिजल्ट आया, मेंस में हो गया, छात्रों ने बधाई दिया उनको, इंटरव्यू देने जाना हुआ, सब लोगों ने कहा भाई गुप्ता जी तैयारी, इंटरव्यू कर लीजिए। गुप्ता जी कहे क्या यार तैयारी करें, हमें 4 बार तो दे चुके हैं, हो ही नहीं रहा है। कहने कुछ पढ़ तो लीजिए। गुप्ता जी पढ़े उड़े नहीं, क्या कुछ नहीं पढ़े उड़ेंगे, जो जैसा है ठीक है, जितना जानते हैं उतने बोल देंगे, वहाँ पर नहीं पढ़े। सारे उनके लाज उसके के लड़के बड़े चिंतित, गुप्ता जी पढ़ ही नहीं रहे हैं, अंतिम चांस भाई। लेकिन इंटरव्यू देने गए, आयल ऑयल अपना बनाया, एक साइकिल थी उनके पास, साइकिल से गए इंटरव्यू देने, पहुँचे बोर्ड के सामने। अब सौभाग्य कहिए, जो बोर्ड उनका 3-4 बार पहले इंटरव्यू ले चुका था, उसमें से एक चेयरमैन, जो बोर्ड के चेयरमैन थे, उनके बोर्ड में ये दूसरी बार या तीसरी बार पहुँचे थे, और वो इनको पहचान गए थे, बैठा है इनको। उस समय नाम यूपी कमीशन में जाया करता था, तब तो नहीं जाता था, तो बैठा है, आइए गुप्ता जी बैठिए, धन्यवाद कहते हुए बैठे। फिर कहे कि हाँ बताइए गुप्ता जी कैसे आना हुआ। गुप्ता जी ने एक जोरदार शायरी मारी, सर जुम्मे की अंतिम शाम है, सोचा है कि एग्जाम हो ही जाए। तो वाह गुप्ता जी, चेयरमैन ने कहा, वाह गुप्ता जी बहुत बढ़िया शायरी आपने सुनाई। कहे सर इसके बाद मुशायरा ही हमें करना है। फिर थोड़ा परेशान हुए,
चेयरमैन भी परेशान हुए भाई, कुछ लगा ठीक ठाक मतलब मेरे समय मनोदशा में लगता है नहीं, तो कहा कि अभी तक आपका कहीं हुआ नहीं, तो कहा कि सर आपने किया ही नहीं, अब यहाँ भी बोल दिए इसे उल्टा पुल्टा। अब सामान्य चेयर सामान्य परिस्थितियों में तो ऐसे कहीं को रिजेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन जैसा उन्होंने बोला उससे उनके अंदर का फ्रस्ट्रेशन बोर्ड के सामने गया। फिर भी और कुछ फिलासफिकल आंसर पूछा गया, बताए गुप्ता जी दो ज़्यादा इंटरव्यू नहीं चला, चले आए। फिर अपना मन में पता नहीं क्या उनके था, आए अपने मित्रों के साथ मिले, या कैसा हुआ, कैसा हो गया सब पैसे था शायरी वरी मारे वरे जाने घटाओ हो गया, बीत गया बीत गया। अब फिर रिजल्ट आया, शाम को 5 बजे रिजल्ट निकला। ठंडियों की सर्दियों की रात थी और वो सूचना पहुंचते पहुंचते उन तक लगभग रात 8 बज गया। सब लोगों ने कहा गुप्ता जी रिजल्ट आ गया है आप देख आइए। गुप्ता जी कहे कि भाई हम तो नहीं देखने जाएंगे। कहा क्यों, काय होना है नहीं, फेले हैं पहले से क्लियर है, झूठे दिखलवाने मत भेजो। कहे सब बहुत प्रेशर करने लगे, नहीं नहीं जाइए जाइए जाइए, एक शर्त पे तैयार हुए। शर्त क्या थी भाई, कहे रोटी सब्जी बना खिला दो तब जाएंगे, नहीं तो वहाँ फेल हो गए तो पता चला हमको खनवा नहीं मिलेगा। अब सब लड़के भाई कहे ठीक है तुम्हारे शर्त मानते हैं, बना रोटी सब्जी खाए गुप्ता जी। अब फिर साइकिल उठाए, गमछा वमछा लपेटे बाकायदा, बिना मड़गाड़ की साइकिल थी उनकी, चल पड़े कमीशन की तरफ। 10-15-20 मिनट में पहुंच गया कमीशन और रोल नंबर लिखे रखे हुए थे। कमीशन उस समय बंद होने वाला था, एक वॉचमैन था लगा था वहाँ पर बाहर, अंदर 2-3 लड़के खाली थे। वहाँ पे जो वॉचमैन था उसे कहा कि थोड़ा आपको जाने दीजिए, थोड़ा रिजल्ट एक सीनियर का देखना है, अपना नाम नहीं लिए। कमीशन झल्लाते हुए वॉचमैन कहा कि जल्दी जाओ और कहा कि तुरंत जल्दी देख के तुरंत आओ बताओ जाओ यहाँ से। अंदर चले गए और वहाँ पे तो जानते थे उनका होना नहीं है, और लगभग उस समय 200-300 सीटें थी। नीचे से देखना शुरू किए, 100-300 से आए 200 पे, गुप्ता जी कहीं दिखलाइए नहीं पड़े। 200 से आए 100 पे, वहाँ भी गुप्ता जी नहीं दिखलाए पड़े। 100 से आए 50 पर, वहाँ भी नहीं थे। 50 से आए 10 पर, वहाँ भी गुप्ता जी नहीं थे। बैठ गए वहाँ पे बेंच पे, गाली देने लगे अपने मित्रों को, ये सब झूठे दौड़ा उड़ा दिए हैं, आराम से खा पी के सो गए होते, होना जाना तो था नहीं। तब तक उसी में दो लड़के बातचीत कर रहे थे, अरे यार गुप्ता टाप कर गया, गुप्ता टाप कर गया, अब इनको थोड़ो ना यकीन है कि ये टाप करेंगे। फिर कहे अच्छा चलो चलते हैं घर, एक बार देख लेते हैं ये 10 भाग्यशाली कौन लोग हैं। नीचे से फिर देखना शुरू किए, 10 से 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, एक पर इन्हीं का नाम था। रोल नंबर भी देखे, इन्हीं का नाम था। इनके दिलो दिमाग में कोई रिएक्शन आया नहीं। बगल के जो दो बच्चे खड़े थे उनको इन्होंने रोल नंबर दिया, कहा कि भैया जब थोड़ा सा देख लीजिए कि ये है इनका हुआ है। अरे यही तो गुप्ता है, यही तो टाप किया है, जानते हो तुम उसको। कहा हाँ एक सीनियर है, उन्होंने दिया हमको, देख के भेजे हैं। फिर अच्छा मेरा नमस्कार कहना। अब वहाँ से गुप्ता जी एकदम शून्य निकल पड़े साइकिल से, धीरे 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 पहुँचे अपने रूम पर, गए बैठ गए। सब इनके फ्रेंड पूछने लगे क्या हुआ, ये बोले नहीं, बस लेने लगे गियर में। कहे तुम ऐसे थे ही, ऐसा इंटरव्यू दिए थे तो कैसे तुम्हारा होगा, तुम दुर्भाग्यशाली हो, मेहनत किए कि नहीं कि भगवान जाने, हमको नहीं मालूम है, जाने दो टाओ साहब। जो 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 गुप्ता जी के ऊपर टूट पड़े। तब तक एक मित्र कहा कि
अरे गुप्ता जी कुछ बोल नहीं रहे, क्या बोले, क्या बोले मतलब, बोलो तो, यानी कुछ बात है। नहीं नहीं कुछ बात ऐसा नहीं है, लेकिन बोले का तो खैर। गुप्ता जी बताओ 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 तो। यार ये कमीशन में कुछ मिसप्रिंट वगैरह तो नहीं होता है? क्यों क्या नंबर एक पे पता नहीं क्या हमारा नाम शो कर रहा है? अभी भी गुप्ता जी के चेहरे पे कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, ये मान लीजिए। आप तुरंत आनंद फानंद में लगभग 20 साइकिल उठी, उस वक्त साइकिल था सोचिए, 20 साइकिल उठी, चल पड़े सब कमीशन की तरफ, गुप्ता जी का रोल नंबर लेके। वहां देखे गुप्ता जी पहले रैंक पे, आप पहले गुप्ता जी को तो खूब उल्टा सीधा बोले, इतनी बड़ी खबर छुपा गया, ये छुपाया नहीं था गुप्ता जी ने, सत्य ये छुपाया नहीं था, उसको यकीन ही नहीं हो रहा था उस व्यक्ति को, यो टाप कर भी सकता है। ये पेशेंस था गुप्ता जी का, ये कठिन परिश्रम तो जुड़ा हुआ था गुप्ता जी के साथ, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन एक पेशेंस था गुप्ता जी के पास कि वो अंत तक हार नहीं माने, और परिणाम उनके सामने था। यही पेशेंस और यही समर्पण, यही परिश्रम आपको दिखाना है। मैं ये नहीं कहता कि आप अंतिम में सेलेक्ट हो, लेकिन एक साथ जब चारों चीजें एक साथ एक समय में वर्क कर जाती हैं तो शुरुआती दौर में ही सफलता मिल जाती है, कोई इसमें दो राय की बात नहीं है। कहीं कुछ कमी रह जाता है तो फिर आगे आदमी धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे सटीक निशाने पे आई, सटीक निशाने का आप एक एग्जांपल देख लिए, अभिनंदन वर्धमान, ये तो स्टोरी आप पता नहीं जानते हैं कि नहीं जानते, मान लेते हैं हकीकत या फसाना, अभिनंदन वर्धमान को तो आप जानते हैं ना, संसाधनों का उस व्यक्ति ने रोना नहीं रोया, MiG-29 विमान 2.5 जनरेशन का, और उस व्यक्ति का विमान था, और लेटेस्ट पूरे वर्ल्ड का नंबर एक का विमान F-16, वो भी अमेरिका का, और वो उस समय वो पायलट उड़ा था जो पाकिस्तान का सबसे एक्सपीरियंस होल्ड पायलट था। अभिनंदन वर्धमान ने ठान लिया कि इस F-16 को हमको गिराना ही गिराना है, उसके पीछे लग गए। अब उनको ये नहीं दिलाई पड़ा कि मैं भारत में हूँ पाकिस्तान में हूँ, 5,000 फीट की ऊंचाई पर वो उड़ा था, ये भी 5,000 पहुँच गए, वो 10,000 फीट पर ऊंचाई पहुँच गए, ये भी 10,000 पहुँच गए, वो 15,000 पर, ये भी 15,000 पर, वो पहुँच गया सीधे 22,000 पर। अब भाई इनका प्लेन तो 22,000 उड़ नहीं सकता था, ये नीचे से ही सेट करके उस प्लेन को मार के गिरा दिया इन्होंने, अभी भी नहीं पता पाकिस्तान में है। लेकिन एकदम समर्पण था लक्ष्य के प्रति, जब एकदम कंसंट्रेट होकर व्यक्ति अपने लक्ष्य को देखने लगता है तो आसपास की सारी वस्तुएं उसको दिखलाई ही नहीं पड़ती हैं, यही सत्य है। और यही कंसंट्रेशन एकाग्रता आपको इस लक्ष्य के प्रति लानी है, तब आप जाकर एक वांछित शिखर पर जिसकी आप योग्य हैं वहां पर पहुंचेंगे। धन्यवाद। आज का ये मोटिवेशनल स्पीच आप ही के लिए है, क्योंकि मेरा दिल कहा कि आपको बताना बहुत आवश्यक है। कहीं भी आपके दिमाग में फ्रस्ट्रेशन नाम की कोई चीज़ रहनी ही नहीं चाहिए, एकदम इंथुजियाज्म, उत्साह लक्ष्य के प्रति होना ही चाहिए, तभी बाकी ये सारे गुण आपके अंदर आ जाएंगे और आप लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। जब आपने अपने जीवन में एक बार टारगेट लॉक कर दिया है तो जन्म क्या मृत्यु क्या, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी समस्त ऊर्जा लगाइए, और निसंदेह आप मानिए कि वो लक्ष्य आपको ही मिलेगा। सागर का एक मोती आज भी आप ही की तलाश में है, गोता तो लगाइए सही, वहां तक पहुंचिए तो सही, पहुंचेंगे वो मोती आपको ही मिलेगा। और एक बार एक लक्ष्य जो आपने निर्धारित किया है, बहुत से लोग कहते हैं यार ये भी कर ले, वो भी कर ले, वो भी कर ले, वो भी कर ले, ब्रेन ऑफ कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होता है, एक जगह कंसंट्रेट होइए और उसी को अचीव कीजिए। धन्यवाद।